सर चढ़ गई है, तुम फिक्र ना करो, इसको तो मैं देख लूंगी। भूल गई हो क्या? कल रात ही को मैंने तुम्हें इस कमरे से बेदखल किया। तुम्हें पता है ना उसने तुम्हें क्यों मना किया था इस कमरे में आने के लिए? क्योंकि तुमने मुझसे माफी नहीं मांगी थी। मुझे माफ कर दे, आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी। ये कौन सा तरीका माफी मांगने का? माफी मांग रही हो, एहसान कर रही हो? अम्मी, ठीक नहीं किया आपने। भी? कौन भीख मांगने आ गया? उसे कहो माफ करे, या अपने खर्चे पूरे नहीं हो रहे और भीख मांगने वाले चले आ रहे। क्या कह के आ रही हो? अम्मी, मिशाल को मैंने कमरे में भेजा था। क्यों? क्योंकि जो मियां बीवी के दरमियान गलत फहमियां वो दूर हो सके। गलत फहमियां? कौन सी गलत फहमियां? अम्मी, आपको नहीं लगता कि आप खामखा मियां बीवी के दरमियान में आ रही हैं? जाहिद बेटा है मेरा और वो बीवी है उसकी, उसका फर्ज बनता है कि वो मेरी इज्जत करे। अच्छा, मुझे तो मेरी सास के बारे में आप कुछ और कहा करती थी। क्या कहा करती थी? यही कि अपनी सास की कोई बात सुनने की जरूरत नहीं, गुस्सा करे तो ठोक के जवाब दिया करो। हाँ तो तुम्हारी भलाई के लिए कहती थी ना। अरे, भलाई का तो जमाना ही नहीं है। अच्छा, विशाल की भलाई के लिए आपका दिल नहीं चाहता? वो बहू है मेरी और तुम बेटी हो, बहू कभी बेटी नहीं बन सकती। सही, जिस दिन सास माँ बन जाएगी ना बहू, उस दिन खुद ब खुद बेटी बन जाएगी। अरे जा जाके अपना काम कर, बहुत पढ़ा लिया तूने मुझे सबक, जा यहाँ से।